हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के जा कहाँ रही हूँ। सो मेरी फ्रेंड थाईलैंड से आई है आफ्टर 10-11 मंथ्स के बाद, और वो मुझसे पहली बार अभी मिलने वाली है। लिटरली 10 से 11 महीने बाद वो आ रही है यहाँ पर इंडिया में। तो मैं उसी से मिलने जा रही हूँ और हम करेंगे आज लंच डेट। और ये देखो भैया, हमारा जाते ही पोपट हो गया था। हम जिस रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए थे वो रेस्टोरेंट हो चुकी थी बंद, क्योंकि हम हो गए थे 30 मिनट लेट। 3 बजे बंद हो जाता है, हम पहुँचे थे 3:30 को, और रीओपन होगा रेस्टोरेंट 6:30 को। तो हमें उसके बाद फिर 3:30 के बाद 6:30 तक वेट करना पड़ा, फिर रेस्टोरेंट रीओपन हुआ एंड देन हम गए लिटरली। और तब तक इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, हम तो गए थे लंच करने के लिए, भैया डिनर करके आए हैं वापस। और इसको लग गई थी बहुत तेज़ की भूख और ये पागल हो गई थी। फिर हम नॉर्मल रेस्टोरेंट पे जाके 2 कोक एंड फ्राइज ट्राई किए। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया क्योंकि उसके बाद बहुत हैवी खाना था हमको। सो गाइस, फाइनली रेस्टोरेंट खुल चुका है एंड दिस इज़ द एम्बियंस। आप देख सकते हो काफ़ी कोजी, काफ़ी एस्थेटिक, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। यू ऑल्सो गेट टू इन्जॉय लाइव स्पोर्ट्स। सो काफ़ी अच्छी एम्बियंस है यहाँ पर और काफ़ी क्लासी भी लग रहा है। सो यहाँ पे तुमको मल्टीपल डेजर्ट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, पेस्ट्रीज एंड ऑल। चलो, ये एम्बियंस देखने के बाद मुझे 3 घंटे का वेट अभी वर्थ लग रहा है। ये आप केक के प्राइजेस आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंगो मेडले इंडल्ज विथ स्वीट टेम्पटेशन, यहाँ पर आपको स्टार्टर्स और बिरयानीज़ के मेन्यूज़ दिए गए हैं। उसके प्राइस आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर शॉट्स एंड बियर्स वो सब भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे एंड या दोनों साइड सेम ही है। ये आ गया हमारा खाना। फाइनली खाने को देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, लिटरली। मतलब इतना वेट किया ना इसके लिए, यार अच्छा लग रहा है। फिर ये देखने के बाद हमने बहुत कुछ मंगवाया था, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉकटेल से। मॉकटेल्स में हमने मंगवाया था जामुन लेमनेड और पेरू प्याला। दोनों ही अपने आप में बहुत यूनिक था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया पेरू प्याला क्योंकि उसका टेस्ट जो है इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, वेरी यूनिक एंड वेरी रिफ्रेशिंग। सो बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड वेजिटेरियन है तो उसने मंगवाया चिली चीज़ शेक एंड या इट वाज आल्सो गुड। ऊपर की जो कोटिंग है उस वो काफ़ी क्रंची है, अंदर आपको चीज़ की स्टफिंग्स मिल जाती है, चिली के छोटे 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 पीसेस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको तीखा पसंद है तो ये इसकी टेस्ट आपको बहुत यूनिक लगेगी। टोमेटो सॉस के साथ काफी अच्छा लग रहा है। टोमेटो सॉस भी स्पाइसी ज्यादा है। हाँ, और मैं रही नॉन वेजिटेरियन तो मैंने अपने लिए मंगवाया था चिकन शीक कबाब। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा था, वेरी टेंडर चिकन, वेरी गुड मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स, साथ में ये सड़ाल दिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेन कोर्स में हमने ट्राई किया मेथी पनीर। सिंस शी इज़ वेजिटेरियन, तुम वेजिटेरियंस के लिए मेथी पनीर आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। ये इसका टेस्ट इतना यूनिक है, आपको मेथी का फ्लेवर मिलेगा उसमें, आपको पनीर भरपूर मात्रा में मिलेगी एंड बहुत ही बटरी, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी यमी है कि मैं ये टेस्ट बिल्कुल नहीं भूल सकती। एंड यस, साथ में हमने मंगवाया था बटर नान। वेरी बटरी, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा बटरी है। अच्छा, मेथी है, पनीर का एक पेस्ट है, क्रीम है, अगर आप अर्बन तक आ रहे हो तो सिजलर तो जरूर ट्राई करें क्योंकि सिजलर के भी इनके पास बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। मैंने मंगवाया था चिकन शाश्लिक सिजलर और देखो इसकी क्वांटिटी कितनी अच्छी है। मतलब एक सिजलर आप लोगे तो एक जन दो जन तो आराम से खा लेगा, लाइक पेट भर जाएगा दो का आराम से ना। इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि मुझे अकेले में खाई नहीं जा रही थी। प्लीज थोड़ी सी ले लो, मेरी एपेटाइट बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ दादा, मैं दिखती मोटी हूँ बट क्या है इतना, इतना सारा खा लिया है इतना सारा मंगा लिया है, लेकिन मेरी स्टार्विंग अभी तक खत्म नहीं हुई है क्योंकि देखो ये कितना डिलीशियस लग रहा है भाई देखने में। और यस, खाने में भी बहुत डिलीशियस था। सो यस, इट्स अ मस्ट ट्राई। और ये देखो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जिसके साथ लगे रहते हो वो किसी और के साथ लगे रहते हैं? मेरे साथ ऐसे ही होता है।
एंड फाइनली फॉर द डेजर्ट मैंने मंगवाया है सिजलिंग ब्राउनी विथ आइसक्रीम. एंड या ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. आपको पता है कि मैं जो भी रेस्टोरेंट पे इस डेजर्ट को देखती हूँ ना, तो मैं डेफिनेटली यही लेती हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको यहाँ पे यू नो ब्राउनी मिल जाती है एंड हॉट चॉकलेट का आपको फ्लेवर मिल जाता है, प्लस साथ ही साथ आपको आइसक्रीम की भी टेस्ट मिल जाती है. तो काफ़ी सारा मतलब 3-in-1, 2-in-1 मिल जाता है भैया, तो इसलिए दोनों टेस्ट मिल जाती है. तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. सो गाइस फाइनली हमारा डिनर हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर. हम आए थे आर मॉल में जो कि थाने में है, गोडबंदर रोड में. इस रेस्टोरेंट की डिटेल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा. हम इतना फुल थे कि लिटरली कैमरा के सामने कोई बात करने के लिए राज़ी नहीं था, ना वो ना मैं. सो बस हमें घर जाना था और चैन की नींद सोना था बिकॉज वी वर सो फुल. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.